दोस्तों, भारत की विदेश नीति इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। उसकी तारीफ हर तरफ की जा रही है। पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि अपनी दोस्ती निभाने के लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है। भारत की इसी स्ट्रेटेजी की तारीफ उसके दुश्मन चीन और पाकिस्तान भी कर रहे हैं। दुनिया के मैप में देखें तो भारत के दोस्त देश काफी सारे हैं, जिसमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन पर भारत आंख बंद करके विश्वास कर सकता है। वहीं वो देश भी भारत पर बहुत भरोसा करते हैं। इसका उदाहरण फिलहाल भारत और रूस की दोस्ती बनी हुई है, तो तमाम प्रतिबंधों के बाद और व्यापारिक घाटे के बावजूद भी निभाई जा रही है। लेकिन आज हम यहाँ रूस और भारत की दोस्ती पर बात करने के बजाय एक ऐसे दोस्त की बात करेंगे जो भारत का इतना गहरा दोस्त है जिसने उसे हर आने वाले खतरे से पहले आगाह किया है। इतना ही नहीं, ये देश भारत के दुश्मन को सबक सिखाने के लिए भी उसके बराबर खड़ा रहता है और हर तरह से मदद करता है। इस देश का नाम है इजराइल। जी हाँ दोस्तों, आज इजराइल और भारत की दोस्ती पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। दोनों की दोस्ती को 30 साल हो चुके हैं। दोनों देशों के रिश्ते रणनीतिक साझेदार के अलावा सैन्य सहयोग पर आधारित हैं। इजराइल से भारत हाईटेक रक्षा सामान खरीदता रहता है, जिससे सीमा की सुरक्षा और मजबूत हो सके। इसके साथ ही कई मामलों को लेकर भी दोनों देश साथ खड़े नजर आते हैं। ये दोनों ही बॉर्डर सिक्योरिटी और आतंकवाद जैसे समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे में दोनों देश यही चाहते हैं कि वो इसका सामना मिलकर करें और अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएं। इसके साथ ही भारत और इजराइल के बीच खेती तकनीक, वाटर मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आज के वीडियो में हम दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉरपोरेशन के साथ जिन सेक्टर में साथ मिलकर काम किया जा रहा है उसके बारे में चर्चा करें। इसके साथ ही जानेंगे कि भारत और इजराइल की दोस्ती का भविष्य क्या होने वाला है। दोस्तों, आज के टाइम में इजराइल और भारत के रिश्ते हैं वो पहले ऐसे नहीं थे। इतिहास में दोनों के रिलेशन काफी उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। भारत को आजादी मिलने के एक साल बाद फिलिस्तीनी जमीन का बंटवारा हुआ और 1948 में इजराइल का जन्म हुआ। तब इजराइल ने अरब देशों से युद्ध करके अपनी स्वतंत्रता हासिल की थी। ये चीज भारत को बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि उसका खुद की धरती का भी बंटवारा हुआ था। ऐसे में उसे फिलिस्तीन का बंटवारा सही नहीं लगा। उसने इसराइल को एक देश की मान्यता तक नहीं दी थी। वहीं इसे लेकर साल 1949 में जब संयुक्त राष्ट्र में इसराइल को शामिल करने को लेकर वोटिंग की गई, तब भी भारत इसके खिलाफ था। हालांकि इसराइल को इसमें शामिल कर लिया गया। यहां भारत इसराइल के खिलाफ इसलिए भी था क्योंकि अरब देशों के साथ उसके रिश्ते काफी अच्छे थे। तब भारत अपने डेवलपमेंट को बढ़ाना चाहता था, ऐसे फिलिस्तीन और दूसरे अरब देशों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करना चाहता था। इसके साथ ही भारत अरब देशों से तेल निर्यात को लेकर निर्भर था। लेकिन अगले साल 17 सितंबर 1950 में भारत ने इजराइल को मान्यता दे दी। लेकिन ये रिश्ते उस वक्त इतने बेहतर नहीं हुए थे। यहाँ ये कारण था कि भारत हमेशा गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाता आया है, यानी कि वो कभी किसी एक ग्रुप या पावर की तरफ नहीं रहा। इसके साथ ही भारत पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ को सपोर्ट करता था। भारत पीएलओ को मानने वाला पहला देश बना। ये पीएलओ वही था जिसे इजराइल एक आतंकी संगठन मानता था, जिसके बाद दोनों के रिश्तों में कुछ सुधार आया, लेकिन अभी दोनों के बीच दूरी थी। इसके अलावा इजराइल के साथ भारत के संबंध शुरुआत में इसलिए भी बेहतर नहीं हो पाए क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान जब दुनिया दो धड़ों में बट गई थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच किसी एक को चुनना भारत के लिए बहुत मुश्किल फैसला हो रहा था, तब भारत अपने डिफेंस सेक्टर को लेकर सोवियत यूनियन की तरफ जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के ये अमेरिका का सपोर्ट लिया। ऐसे में दोनों के बीच दूरी ही रही, लेकिन यहाँ दोनों की इंटेलिजेंस एजेंसी, भारत की रॉ और इजराइल की मोसाद अपने कॉमन सिक्योरिटी और मिलिट्री इंटरेस्ट पर कोलैबोरेट करने लग गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शुरुआती दौर में जो स्थितियाँ बन रही थी उससे दोनों देशों के बीच दूरी बनी हुई थी, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में सब कुछ बदलने वाला है और वो होने वाला था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या ने भारत इजराइल संबंधों को नई मजबूती दी। राजीव गांधी नए प्रधानमंत्री बने। वीआईपी सुरक्षा के लिए एसपीजी और एनएसजी का गठन हुआ। इन जवानों को ट्रेनिंग
इजरायली जवानों की ट्रेनिंग की तर्ज पर दी गई। इजरायल और भारत के संबंध बेहतर होने का ये सबसे बड़ा कारण था। भारत इजरायल की तरह हथियारों को लेकर खुद पर डिपेंड होना चाहता था, वहीं इजरायल के पास स्टेट ऑफ आर्ट की तकनीक थी, वहीं वो दूसरे देशों में इसके एक्सपोर्ट करना चाहता था। ऐसे में भारत की डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए एक बेहतर ऑप्शन था। इसके अलावा जब साल 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, तब भारत ने अपने हथियारों के इम्पोर्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहा। वो अपने डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर को डेवलप करने के लिए ज्वाइंट प्रोजेक्ट पार्टनर ढूंढने लगा। इसी दौरान भारत इजरायल की तरफ एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखने लगा था। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होने लगे। इसके साथ ही इजरायल उन देशों में एक था जिसने भारत के साल 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट का विरोध नहीं किया था। वहीं भारत के 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट की बात पर अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए, तब भी इजरायल ने भारत को खुले तौर पर हथियारों की सप्लाई जारी रखी। इसके साथ ही 1999 के कारगिल युद्ध में इजरायली मदद के बाद भारत और इजरायल और करीब आए। इजरायल ने भारत को एरियल ड्रोन, लेजर गाइडेड बम, गोला बारूद और अन्य हथियारों की मदद दी। इसके साथ ही इजरायल ने भारत के MiG-21 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने में भी मदद की। इसके अलावा इजरायल ने भारत को लेजर गाइडेड बॉम्ब और 160 mm मोर्टार एमिनेशन सप्लाई किया। ये मिलिट्री कॉपरेशन 2000 के दशक में भी जारी रही। दोस्तों, इंडियन इजरायल आर्म स्टेट दूसरे इक्विपमेंट के अलावा सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस रिलेटेड इक्विपमेंट जैसे सुपर डोबरा क्लास, पेट्रोल वेस्टल, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम ELM कंट्रोल 2015 फाल्कन खरीदने लगा। इसके साथ ही इंडियन नेवी को आधुनिक बनाने के लिए साल 2003 से लेकर 2006 तक इजरायल के बराक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी खरीदे। इसके बाद भारत लगातार इजरायल से उसके हथियार खरीदता गया। वहीं साल 2014 के बाद मेक इंडिया पॉलिसी आने के बाद वो भारत के इस मिशन का एक एक्टिव प्लेयर बनना चाहता है। ये पॉलिसी अप्रोच एक आसान और फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट एटमॉस्फेयर क्रिएटर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे मॉडर्न और एफिशिएंसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके, साथ ही विदेशी मुद्रा को भी बढ़ाया जा सके। इसके बाद साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल को जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इस मुलाकात को दोनों देशों के रिश्ते के लिए एक मील का पत्थर माना गया। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों की तरफ से लगभग $2.6 बिलियन के हथियारों को लेकर समझौते किए गए। इसके साथ ही $40 मिलियन के तकनीक और साइंस की डील फाइनल की गई। इसके साथ ही इजरायल और भारत के रिश्ते मजबूत होते गए। इसके साथ ही दोनों देशों ने अपनी दोस्ती के 30 साल पूरे होने के अवसर पर साल 2021 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने इंडिया इजरायल ज्वाइंट वोटन ग्रुप JWG ऑन डिफेंस कॉरपोरेशन ने एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया था, जिसका मकसद 10 सालों का एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप तैयार करना है, जिससे नए एरिया ऑफ कोलैबोरेशन को पहचाना जा सके। इस दौरान दोनों तरफ से एक सब वर्किंग ग्रुप यानी कि SWG बनाने का फैसला किया गया। ये SWG ग्रुप डिफेंस इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, टेक्नोलॉजी फ्लोज और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी को शेयर पर आधारित होगा। दोस्तों, भारत इजरायल की मिलिट्री इक्विपमेंट का सबसे बड़ा खरीदार है और इजरायल भारत की दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर है। इसके साथ ही इजरायल भारत के तीसरे नंबर का व्यापारिक साझेदार है। ये दोनों हाई टेक्नोलॉजी, डिफेंस इक्विपमेंट, स्पेस सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की साझेदारी होती है। दोस्तों, साल 2021 स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी स्पिरी के रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल भारत को हथियार सप्लाई करने में तीसरे नंबर पर रहा है। इससे पहले रूस और फ्रांस का नाम पहले आता है। इजरायल भारत के 13% हथियारों का सप्लाई करता है। वहीं साल 2021 में इजरायल ने भारत को मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, एनिमी फाइटर जेट्स, मिसाइल, हेलीकॉप्टर और 70 किलोमीटर तक के अनमेंड व्हीकल को स्ट्राइक कर सकता है। MRSM इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री और भारत के DRDO के द्वारा बनाया गया है, जिससे एडवांस रडार, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और मोबाइल लॉन्चर शामिल हैं। इसके साथ ही भारत और इजरायल ने बराक 8 हवाई और मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है। इसे इजरायल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मिलकर विकसित किया है।
बराक 8 डिफेंस सिस्टम के जमीन और समुद्र में तैनात किए जाने विकल्प उपलब्ध हैं। इसके अलावा AIA इस वक्त हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर सेकेंड हैंड बोइंग 767 नागरिक विमानों को भारतीय वायुसेना के लिए हवा में ईंधन भरने वाले विमानों में तब्दील कर रही है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय रक्षा उद्योग क्षमताएं विकसित करने की कोशिशों में मदद करते हुए इजरायली कंपनियों ने भारत के निजी क्षेत्र से कई गठबंधन किए हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे अमेरिका की कई बड़ी एरोस्पेस कंपनियों ने किया है। अमेरिकी कंपनियों ने भी भारत के निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ कामयाब कारोबारी गठबंधन कायम किए हैं। इसराइल की IAI एल्बिट सिस्टम और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम कंपनियों ने भारत फोर्स, टेक महिंद्रा, अडानी समूह और टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ साझा कंपनियां बनाई हैं ताकि खास उपकरण और घरेलू सुरक्षा के औजार का निर्माण किया जा सके। मिसाल के तौर पर IAI की सहयोग कंपनी ELTA सिस्टम ने टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर हेला सिस्टम्स कंपनी बनाई है जो संचार इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध और अंदरूनी सुरक्षा के उपकरण बनाती है। एल्बिट सिस्टम्स और भारत फोर्स के बीच एक और साझा प्रयास BF एल्बिट एडवांस्ड सिस्टम्स के जरिए भारतीय सेना को तोप, गाइडेड हथियार और मोर्टार सिस्टम उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके साथ ही इस साल इसराइल वेम इंडस्ट्रीज ने लाइट मशीन गन्स भारत को दी हैं। नेगेव दुनिया की इकलौती ऐसी लाइट मशीन गन है जो सेमी ऑटोमेटेड मोड और सिंगल बुलेट शूटिंग के लिए प्रयोग की जा सकती है। नेगेव को इसराइल के डिफेंस फोर्सेज भी प्रयोग करती है। यह बात और भी दिलचस्प है कि इस मशीन गन का नाम इसराइल के दक्षिण में पड़ने वाले इलाके नेगेब पर पड़ा है। इसके साथ ही पिछले 2 दशक से भारत और इसराइल की साझेदारी हथियार से बढ़कर स्पेस, काउंटर टेररिज्म के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग को भी कवर करती है। जैसे इसरो और इसराइल स्पेस एजेंसी मिलकर स्पेस कोऑपरेशन प्रोग्राम बना रहे हैं। इसरो ने साल 2008 में टेक्सार लॉन्च किया था। ये एक इजरायली सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट है। इसके अलावा इसराइल एग्रीकल्चर में भी अपनी तकनीक के जरिए भारत की मदद कर रहा है। यहाँ भारत में इसराइल सबसे बड़ा एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है जो 19 स्टेट को कवर करता है। इस इंडो इसराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट का मकसद है कि वो इसराइल की तकनीक के जरिए भारत में कृषि के उत्पादन को बढ़ाए, क्योंकि भारत में पानी की कमी है। ऐसे में इसराइल का डिसेलेशन तकनीक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें वो समुद्र के पानी को पीने के पानी में बदल रहा है और भारत जैसे देश के लिए ये तकनीक वरदान है। इसके साथ ही इसराइल और भारत साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, जिसके लिए दोनों देशों के बीच MOU भी साइन किया गया है। साल 2018 में इसराइली साइबर सिक्योरिटी बेस्ड स्टार्टअप ने $1.3 बिलियन का फंडिंग सिक्योर किया था। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत और इसराइल की पार्टनरशिप में कई एरिया में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसमें पहला है कि दोनों देशों के बीच FTA को लेकर बात हो रही है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध गहरे हो जाएंगे। इसके साथ ही इसराइल भारत द्वारा घोषित किए गए इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने का फैसला किया है। दोस्तों, देशों के तरफ से हर सेक्टर में साथ आ रहे हैं, जिससे भारत को अपने डेवलपमेंट में सहायता तो मिल रही है, साथ ही इसराइल के साथ बढ़ती साझेदारी एक सुनहरे भविष्य की तस्वीर साफ कर रही है।